told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. अरे वाह, मम्मी ने दुल्हन तो बड़ी अच्छी ढूंढी है। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? एनिक, तुमने कुछ बोला? नहीं पापा, मैं तो बस। अरे मम्मी पापा, मुझे तो अभी से ही लड़की पसंद आ गई है। अरे नहीं, ये क्या सोच रहा है, मुझे या मेलनी को? लेकिन मेरे और उसके बीच में ये मिस यूनिवर्स कहाँ से प्रकट हो गई इतने लंबे लंबे बालों के साथ? सुन मेरी बात पागल। अरे पागल सुन। अरे क्या हुआ, इतने धीरे क्यों बोल रही हो? वैसे मेरे को पता था कि तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगी। अरे पागल आदमी, अगर तेरे को लग रहा है कि तेरी शादी मेरे साथ होने वाली है तो ऐसा नहीं है, मेरी बहन के साथ होने वाली है जो बैठी है वहाँ बीच में। क्या? अरे धीरे बोले थोड़ा। अब तो मम्मी पापा बिल्कुल सीरियस भी है, तो हो सकता है कि ये शादी हो ही हो। और तू मेरी बहन से? नहीं यार, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकती। तो फिर तुम मेरे को छोड़ के भागी क्यों? पहली बात तो ये है। हेलो, आपका नाम जो भी है, मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे ये शादी नहीं करनी। बोल तो वैसे रही हो जैसे मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। मुझे भी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन जिस तरह तुम्हारे मम्मी पापा सीरियस है ना यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा भी सीरियस है। मैंने 5 शादियाँ तुड़वा दी है और ये 6th है, ये नहीं तुड़वा पाऊंगा। Yes, पक्की बात हो गई अब तो। क्या? मैं बहुत खुश हूँ मेलनी कि आखिरकार शायद तुम मेरी बात समझ ही गई, इसलिए शायद इस बार तुमने कुछ करा नहीं। खुशी के मारे मुझे रोना आ रहा है। अब हम सब कुछ तुम पर छोड़ रहे हैं बेटा, ताकि मेलनी और तुम एक दूसरे को जान लो, इसलिए जाकर बात कर लो आराम से। यार जब मैं और तुम एक ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हम दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं ना। मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सास बहू सीरियल का चला हुआ है शो और मैं वहाँ का मेन लीड। ऐसा है ना, मेरी लाइफ का मेन हीरो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे लाइफ का मेन हीरो हूँ? मैं किसी और के लाइफ का मेन हीरो हूँ? वैसे हम दोनों का प्रॉब्लम सेम ही है ना? तो मैं कब से क्या बोल रही हूँ मिस्टर? अरे यार, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बंदा हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करा के मेरे को फेंक देना चाहते हैं ताकि मैं सुधर जाऊँ। और मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश कर ली और मैंने 5 शादियाँ तुड़वा दी हैं। अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे खा जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँगी इस शादी को रोकने के लिए, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश कर ली है और इस बार मेरे मम्मी पापा भी सीरियस हैं। यार तुम हंस क्यों रहे हो, स्माइल क्यों कर रहे हो? ये एक मजाक थोड़ा चली हुई है, जिंदगी चली हुई है। अगर तुम्हें इतना ही है ना, इतना ही वो है ना कॉन्फिडेंट, तो ठीक है,
फिर मेरे साथ बिताओ पूरी जिंदगी। बताओ कि तुम्हारी हॉबी वॉबी क्या है, क्या करते हो, क्या धंधा है, बताओ। मेरी हॉबी है ड्रिंकिंग करना और स्मोकिंग करना। मैं जिस चीज में सबसे बेस्ट हूँ वो है गालियाँ देने में। और मेरा करियर है, मेरे को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और मैं फेलियर हूँ। क्या इस तरह के इंसान के साथ? नहीं, कभी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंट है ना अपने ऊपर तो ठीक है, शादी के बाद तो ये करना ही है, अभी ही कर देते हैं प्रैक्टिस। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं कोई सलूशन ढूंढ लूंगा। देखो कैसे लाइन पे आए तुम अभी। ठीक है, अभी के लिए मेरे को वापस घर जाना होगा। घर जाके कुछ सोचूंगा और तुम्हें बता दूंगा। तुम्हारा नंबर तो ले ही लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर आए। सुनो नितिन, कुछ भी करो लेकिन उस रूम में मेरे साथ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जल्दी। अरे लेकिन मैं यहाँ पे अभी इन सब कुछ छोड़ के कैसे आ जाऊँ? तुम्हारे साथ शक नहीं हो जाएगा? वो मुझे नहीं पता, जल्दी आओ, बस जल्दी आओ। ड्रामे मत करो और जल्दी करो। वो दरअसल मेरे को वॉशरूम जाना था। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, मेलनी वहीं खड़ी है, उसके साथ चले जाना। सुनो मेलनी, वॉशरूम मैं इसको ले जाती हूँ, तुम यहीं पे रहना ठीक है? अरे इनका कुछ तो चला हुआ है, जब से ये आया है ना दोनों के बीच खुसर फुसर हो रही है। कोई बात नहीं, दरवाजे के पीछे इनकी बातें सुनती हूँ। ये बताओ कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे और तुम उनमें से एक हो। अरे लेकिन मैं ही क्यों आ गया यहाँ? कहीं ये फेट तो नहीं जो हम दोनों को जोड़ रहा है? फेट हम दोनों को नहीं, तुम्हें और मेलनी को जोड़ रहा है। अच्छा तो जो मेरी लाइफ में एक विलन का रोल निभा रही है उसका नाम मेलनी है? ये फालतू बातें करने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढो। अरे वाह, इसका मतलब तुम भी ये चीज नहीं चाहती है ना? अब तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली है और अब तुम दोनों को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या चला हुआ है यहाँ पे तुम लोगों का? अरे मेलनी, अगर तुम आई गई हो तो फिर ठीक है, तुमको मैं सब बता देती हूँ, पर तुम मम्मी पापा को ये बात नहीं बताने वाली हो, ठीक है ना? हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी इस शादी को तोड़ने में, ठीक है? ना जाने हम कितने सालों से बेस्ट फ्रेंड रहे थे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड बनते बनते हम कब क्या बन गए हमें इस चीज का पता ही नहीं चला। और उस वक्त मैं प्लस वन में थी, लेकिन इन सब चीजों की वजह से मेरा पढ़ाई से फोकस हट गया और बाकी चीजों से फोकस हट गया। और तू तो जानती है मेलनी, मेरे मम्मी पापा कितना दबाव डालते हैं यार मुझ पे, इसलिए वो मुझे हमेशा सुनाने लग गए और फिर मैंने फैसला किया कि इस चीज को खत्म ही कर दूं। ये बात तो है, तुमने हमेशा अपने मम्मी पापा की नीड्स ऊपर रखी हैं। और जब ये सब मैंने किया उसके बाद सीधे हम लोग आज मिल रहे हैं और इसको देख के मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुई हूँ। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती मेलनी कि... अच्छा मैं समझ गई, मम्मी पापा की वजह से तुमने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया और जब ये वापस आ गया है तो तुम अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, पर कुछ करो ना मेलनी प्लीज। हम चिंता मत करो, अभी तो बहुत टाइम है, तब तक कुछ ना कुछ सलूशन निकाल ही लेंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मेलनी आखिर तुम मौनी की लाइफ में क्यों घुसना चाह रही हो। अरे लरीसा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो जैसे मैं ये सब जानबूझ के कर रही हूँ? मौनी ने मुझे खुद बोला है। लरीसा यार, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब मेलनी मेरी मदद कर रही है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुमने तो आज तक ही नहीं मदद, एटलीस्ट मैं उसको गलत तरीके से हेल्प नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? जो तुम बोलने के लिए इस मौनी को कह रही हो ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा मेलनी। कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा, लोडिंग डर जाएगा और मौनी को एक चांस मिल जाएगा, सिंपल। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
यार मौनी, मुझे एक तो तेरी ये चीज ना बहुत इरिटेटिंग लगती है। तू बार बार पूछती है क्या करूँ क्या करूँ, जब इतना अच्छा सोल्यूशन दे दिया है, जाके करना लोडिंग को ब्लैकमेल यार। अगर इतना ही परेशान कर रहे हो ना तुम लोग, तो आज मैं ये काम कर ही देती हूँ। अरे मौनी तो चली गई, लोडिंग पता नहीं कैसा रिएक्शन देगा। और कुछ लेंगी मैम आप? लोडिंग, मेरी बात सुनो। अगर अगर तुम कल शिफ्ट के बाद मेरे साथ डेट पे नहीं गए, तो मुझे तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है। मैं वो सबको बता दूंगी, सबको। तो बोलो, आओगे ना डिनर के लिए? ये तुम क्या बोल रही हो मौनी? कौन सा सीक्रेट मौनी? ये क्या हुआ? कहीं इसको मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? ये प्लान के बीच में थोड़ा मुसीबत क्रिएट कर सकती है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah.